खुश हैं अमृत काल में, अमृत महोत्सव में? नहीं, हम तो खुश नहीं है। हम किस लिए खुश होंगे? जब सरकार ने हमारी रोटी रोजी छीन ली, बच्चे हमारे भूखे प्यासे भटक रहे हैं, हम भूखे प्यासे हैं, तो हम खुश किस लिए हैं सरकार से? हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम अपने प्राण भी यहीं तज देंगे। इन होमगार्ड को तो जो दर्जा मिलना चाहिए था वो दर्जा मिला नहीं। कहते हैं कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन वो ईमानदारी कहाँ? हमें वापसी नहीं लिया जाता है तब तक हम होमगार्ड डिपार्टमेंट की नई भर्ती नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं भारत की महिलाएं मेरी बहन है, अपनी बहन बताते हैं आप लोगों को? अब हमें तो कहते भी शर्म आ रही है, वो हमारे भाई क्या बनने लायक हैं? या तो भर्ती करो या मर जाएंगे। उम्र में हमें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, अब कहाँ जाएंगे हम, बताइए। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। तमाम खबरें आप देखते होंगे, लेकिन आज खबर कुछ हट के, क्योंकि मेरे साथ जो हैं वो बुजुर्ग हैं और अपने लिए रोजगार की मांग कर रहे हैं। नौकरी सरकार छीन लेती है बिना किसी नोटिफिकेशन के, यानी कि बिना किसी नोटिस के। क्या कहेंगी मैम, आप कब से नौकरी में थी? सर हमारे पहले सर जी बताइए। मेरा नाम सुरेश कुमार कोशिक, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष। और हमने 1994 में भर्ती होया था, 2001 में निकाला था। और जो होमगार्ड का, दिल्ली होमगार्ड का जो कानून था वो 3 साल का था ड्यूटी, कानून 3 साल का, ड्यूटी 15-20 साल। जैसे कोई भी एक चोर हाथ लगता है पुलिस के, जज के आगे पेश करता है, जज उसको 3 साल की सजा देता है और उसकी सजा 10-15 साल कटवाता है, कोई तो जिम्मेदार होता होगा? या कोई भी जिम्मेदार नहीं है। लेकिन हम यही गवर्नमेंट से बार बार कह रहे हैं, आपका कानून 3 साल का, ड्यूटी हमारे पे 15-20 साल करवाई, कौन से कानून के तहत करवाई? जो भारत सरकार के आदेश हुए हैं, जो हाई कोर्ट के आदेश हुए हैं, या आज से नहीं बनी हुई होमगार्ड, या 1940 से है और 1940 की बनाई गई होमगार्ड और 2023 से लगा हुआ है। और उसके बाद तो ITBP CRP BSF के रहा कितनी फौज बनी है, लेकिन होमगार्ड को तो जो दर्जा मिलना चाहिए था वो दर्जा मिला नहीं है। क्योंकि 1969 के कानून के तहत हम भर्ती किए गए थे, लेकिन उन्होंने 5/6/2008 में इन्हें कानून बना दिया। और जो तकरीबन जो कानून निकाले गए हैं 98 से ले गए, और उस टाइम पर BJP की सरकार थी 98 में 99 में, उस टाइम हम निकाले गए थे। और यह दोबारा BJP की कई सालों से सरकार चलती आ रही है, लेकिन हमारी आज तक वापसी नहीं हुई है। 4 बोरे भरे हैं 22 सालों से। हम माननीय प्रधानमंत्री को, महामहिम राष्ट्रपति को, माननीय गृह मंत्री को, महामहिम उपराज्यपाल को और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते आ रहे हैं, लेकिन हमारे ज्ञापनों पर यानी कूड़े में डालते हैं या कहीं भगा देते है, या कोई एक्शन नहीं होता है। परमात्मा जानता है, जब ये आते हैं, जब ये शपथ लेते हैं, हम अधिकारी होए या कोई नेता होया, ये कहते हैं कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन वह ईमानदारी कहाँ गई? जो एक 22 साल में एक रोजगार नहीं दे सकते। पूरे देश में 5,72,000 होमगार्ड है, पूरे देश में वापसी हो चुकी है। दिल्ली में क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान की राजधानी, केंद्रीय शासित प्रदेश है, यहाँ माननीय प्रधानमंत्री बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी है, महामहिम राष्ट्रपति जी भी हैं, लेकिन इतना होने के बाद भी हम बेरोजगार चले हुए हैं। हम यही, क्योंकि बार बार आदेश हुए हैं, हाई कोर्ट ने भी आदेश करे हैं, 6 मार्च 2018 को 50% कोटा दिल्ली होमगार्ड का दिल्ली सरकारों में है, लेकिन वो कोटा जो आदेश हुए है भारत सरकार और हाई कोर्ट के, आज तक पालन नहीं किया गया है। और जो हमारे जो अधिकारी बैठे हैं ये चाहते नहीं हैं, क्योंकि पहले भी इनने भ्रष्टाचार किया था। जो दिल्ली होमगार्ड की जो स्ट्रेंथ थी 10,285 की है, जो लोकसभा का जो क्वेश्चन है वो 17,505 का है, कि तो 10,285 की 17,505, ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? उस टाइम का भ्रष्टाचार हुआ और आज तक हम परेशानी में हैं। लोकसभा में क्वेश्चन उठाया गया भाई, अन्य विभागों में भर्ती करने के लिए कार्रवाई चालू हो चुकी है, 2003 का क्वेश्चन है, 2003 तक 23 लग गया,
20 साल हो गए क्वेश्चन ने, यो भी नज़रअंदाज है, ये देश का क्या होगा। हम तो यही कह रहे हैं क्योंकि जब हमने क्या गलती करी है, एक एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और केंद्रीय शासित चंडीगढ़ है, केंद्रीय शासित प्रदेश पांडुचेरी है, लेकिन सारा में हो रहा है, वापसी भी हो रही है, पीएफ भी मिल रहा है, डीए भी मिल रहा है, समान काम समान वेतन भी है, लेकिन दिल्ली में नहीं हो रहा। हम यही मांग कर रहे हैं बार बार 22 सालों से, आज से नहीं 22 सालों से हम धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं और इतना हमारी मांग पूरी नहीं होगी, इतना हमारी बहाली नहीं होगी, इतना हमें रोजगार नहीं मिलेगा, इतना हम धरना प्रदर्शन भी करते रहेंगे। और जो हमें मजबूर किया गया, जो हमारी जल्द से जल्द वापसी नहीं हुई, तो जैसे 2016 में हम अनशन किया था, 23 दिन तक हम हॉस्पिटल में चले गए थे, अब के जो अनशन करेंगे, अब के मामला दूसरा ही होगा, उसके जिम्मेदार खुद अधिकारी होंगे। मैम आप क्या कहेंगी, जिस प्रकार से पूरे देश में डंका बजाया जा रहा है अमृत काल का, अमृत महोत्सव का, क्या आप लोग खुश हैं अमृत काल में, अमृत महोत्सव में? नहीं, हम तो खुश नहीं है। हम किस लिए खुश होंगे जब सरकार ने हमारी रोटी रोजी छीन ली, बच्चे हमारे भूखे प्यासे भटक रहे हैं, हम भूखे प्यासे हैं, तो हम खुश किस लिए हैं सरकार से? हम तो खुश बिल्कुल नहीं है। उनसे एक छोटा सा काम नहीं हुआ, सब दुनिया आज नई भर्ती तुम निकालने के लिए घूम रहे क्योंकि तुम्हें बोरों में नोट आएंगे, लेकिन हम कहाँ जाएँ? हमारे लिए रास्ता बताओ ना, आप नई भर्ती खोलो। हम जब तक हमें वापसी नहीं लिया जाता है तब तक हम होमगार्ड डिपार्टमेंट की नई भर्ती नहीं होने देंगे, और चोरी छिपे भी अगर इन्होंने की तो हम वहाँ पे भी बहुत हंगामा बोलेंगे। क्या करेंगे आप? अनशन पे बैठेंगे, हम आत्महत्या करेंगे, अनशन करेंगे वहाँ CTI भी जाकर और जंतर मंतर पे भी यही करेंगे। हर हाल में हमें वापसी लिया जाए, हमारा सरकार से रिक्वेस्ट है, चाहे दिल्ली सरकार करे या केंद्र सरकार करे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं भारत की महिलाएं मेरी बहन है, अपनी बहन बताते हैं आप लोगों को? अब हमें तो कहते भी शर्म आ रही है, वो हमारे भाई क्या बनने लायक हैं? वो भाई क्या जो अपनी बहनों का दुख न समझे? वह तो भाई से दर्जा बड़ा दुनिया के अंदर कोई है ही नहीं, और अगर वो बहनें बनाते हैं तो उन बहनों को दुख को आंसुओं को पोंछो ना। आपके घर से क्या जाता है? अब उनको नौकरियां दो, वो कमा के खाने वाली तुम्हारी बहनें हैं, तो क्यों आंखें बंद करके बैठे हो? गूंगे हो, बहरे हो, अंधे तो नहीं हो, दिखाई तो दे रहा है ना, तो उन्हें नेत्रों से दो। भगवान ने दो नेत्र देखने के दिए, उन नेत्रों से देखो कि मेरी बहनें कितनी परेशान है, क्या मांग रही, उनको रोटी रोजी दो। कितने साल से आपको नौकरी से हटाया गया, कितने साल हो गए? हम 1996 में भर्ती हुए थे और 99 में निकाल दिया था जी, तब से हम बेरोजगार बैठे हैं और धरने पे हैं। तब से क्या करती हैं? रोजी रोटी के लिए कुछ तो करती होंगी, भरण पोषण का व्यवसाय कुछ भी नहीं, तो सिलाई विलाई थोड़ा सा कर लेते हैं। आजकल सारे काम ऐसे हो गए कि कोई सारे रेडीमेड पहनते हैं, कहीं बुटीक के पास आते एक से फैंसी, और वो डिजाइने हम कर नहीं पाते तो हमें रोटी रोजी नहीं मिलती, दर दर भटकना पड़ता है जी। बहन दर दर भटक रहे हैं और वही रात दिन रोना रोना रोना, टाइम आता तो यहाँ चले जाते हैं, यहाँ से रो रहा के घर पहुँच जाते हैं। आप लोग देश की राजधानी में हैं, कहा जाता है कि दिल्ली की जनता सबसे खुशहाल जनता है जी। हम तो नहीं है खुश और ना ही हम किसी को कहेंगे कोई यहाँ है खुश, क्योंकि सरकार ने ऐसा कर रखा है, कोई खुशी के लिए मौका ही नहीं दे रखा। हमसे भी परेशान, देखो अब इनकी क्या उम्र है, ये नौकरियां कर करके इसे हमारे से जैसे सारी उम्र में है, इनको कौन सी डिपार्टमेंट में नौकरियां मिलेंगी आप बताइए? तो ये क्या सरकार नहीं देख रही क्या? हम सरकार के दर पे जाके माथा पटक के रोए तभी उन्हें दिखाई देगा? जब वोट मांगने आते होंगे तमाम नेता मंत्री तो वादे तो करते के पैर पकड़ते हैं, इतने बुजुर्ग बाल सफेद होते हैं, दाढ़ी मूछ सफेद होती है, तो बहन जी ध्यान रखना हमारा, बहन जी ने सिंहासन पे बैठा दिया तो बहन जी को देखा ही नहीं, बहन जी कहाँ रहती हैं? तो हाल तो ये है ना, ये क्या इसको भ्रष्टाचार कहते हैं और क्या कहते हैं? आम आदमी पार्टी दावा करती है कि ये आम जनमानस की, आम जनता की पार्टी है। आम आदमी कह देती है केंद्र के पास जाओ, केंद्र कहता है दिल्ली सरकार के पास जाओ, हमें तो ये नहीं पता इसका निष्कर्ष करेंगे है किसके पास, डिसीजन दोनों में से लेगा कौन? हमको तो एक वो स्टैच्यू बना रखा है, इधर घुमा दो वहाँ चले गए, उधर ले आओ इधर चले गए, सही रास्ता कोई नहीं देखता है हमारा, नहीं दिखा रहा है, तभी तो हम भटक रहे हैं।
क्या करेंगे आप लोग, आखिरी रास्ता क्या निकल के? आखिरी मैडम भाई यही रास्ता है, हम यहाँ अनशन करके बैठेंगे, अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम अपने प्राण भी यहीं तज देंगे, आत्महत्या भी यहीं कर लेंगे। हमारा सभी बहनों का कहना है, सारी बहनें एक साथ बोलो, हमारी सभी बहनों का यही कहना, भाइयों का भी यही कहना है कि हम अति दुखी, एक तो दुखी होता है, हम महादुखी हो चुके हैं, भागते 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 भागते। क्या कह रही हैं? या तो भर्ती करो या मर जाएंगे हम, होमगार्ड के नाम रोशन कर जाएंगे, मर जाएंगे हम। आप लोग मरने को मजबूर हैं? हाँ जी, मर जाएंगे जब हमारी नौकरी हाथ नहीं आएगी तो। क्या कहेंगे आप? मैम हम तो यही कहना चाहते हैं कि जितने भी होमगार्ड हमारे हैं उन सबको वापसी ले लिया जाए, उनको भी वही ओहदा दिया जाए जो एक दिल्ली पुलिस को दी जाती है सेवा। इस उम्र में हमें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, अब कहीं भी जाएंगे हमें कोई नौकरी नहीं देता, इतनी उम्र हो गई है, इतना ये हो गया है, नहीं ले कहाँ जाएंगे हम बताइए। हमें नौकरी पे लिया जाए और हमें पक्का किया जाए, हमको सारी फैसिलिटी दी जाए, हम यही चाहते हैं, हमारी यही रिक्वेस्ट है, नहीं तो हम अनशन पर बैठ के अपनी यही जान दे देंगे। अच्छे दिन का वादा किया गया, दावा किया गया, क्या सच में आप लोग, आप जनता बताइए, अच्छे दिन चल रहे हैं आप लोग? नहीं, हमारे तो बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, कोई कहता बुरे दिन, हमारे महाबुरे हैं, जो हमें सुबह से शाम तक ये टाइम हो गया, हमें एक एक वक्त की रोटी खानी मोहताज हो रही है, तो हम अच्छे दिन किस लिए बताएं? हमें किसी सरकार से कोई फायदा नहीं है, हमारी ना ही दिल्ली सरकार से ना सेंट्रल सरकार से, हम किसी संतुष्ट नहीं है। हमारी नौकरी दे दो, हम तुमने कोई दक्षिणा नहीं मांग रहे, नौकरी दे दो हम अपने कमा के खाएंगे। क्या महंगाई कर रहे हो? सबके साथ वो हमारे साथ है, जैसे हमारा पालन पोषण होगा हम करेंगे, हमें नौकरी चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं जवानी से बुजुर्ग हो गए, नौकरी मांगते मांगते, लेकिन अभी तक इन्हें नौकरी नहीं मिली, इनका मानदेय नहीं मिला, ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये लोग अपना रोजगार मांग रहे हैं, अपने नौकरी पे वापस जाना चाहते हैं, सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर